अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा मौजू है कि लैब के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन केमिकल्स का क्या हमारी लाइफ पर जो है, हमारी सेहत पर क्या नुकसान है और उससे हमें बेनिफिट क्या हो रहा होता है। तो पहले हम बताना चाहते हैं कि अमोनिया सोल्यूशन जो होता है उसका क्या हमारी सेहत पर नुकसान है। अमोनिया सोल्यूशन जो है ये एक निहायत ही जो है बहुत ही हैजर्डस जो है केमिकल है। ये किस वजह से हैजर्डस है, इस केमिकल को जब हमने यूज करना होता है तो इससे पहले इसको हमें फ्रीज करना होता है। अगर हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे और उसके साथ जो है अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये कुचलेगा बोतल से। जब इसका ढक्कन जो है हम खोलेंगे तो ये बोतल से कुचलेगा, तो उससे क्या होगा। अगर हमने आई ग्लासेस लैब के अंदर नहीं यूज कर रहे तो आई ग्लास नहीं लगा रहे होते हैं, ये हमारी आंखों के अंदर सीधा जाकर जो है कुचलेगा और हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। उसी के साथ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका क्या नुकसान है। ये केमिकल बहुत ही डेंजरस है। किस तरह डेंजरस है, जब ही ये केमिकल हमारी बॉडी पर पड़ेंगे तो साथ ही हमारी बॉडी को डैमेज कर देंगे। हमारे हाथ जो है, अगर हमने हाथों के ऊपर ग्लव्स नहीं पहने हुए और अगर ये केमिकल का कोई खतरा जो है इस केमिकल का हमारे चेहरे पर गिर गया है तो हमारे चेहरे पर जो है वो हिस्सा जो है जल जाएगा। और ये इतने ही नुकसानदेह हैं केमिकल के। हमारे पास एक केमिकल होता है कॉम्बिटाइटेंट 5, अगर हम इसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लें तो ये हमारी जो है लाइफ को जो है नामकम्मत कर देता है। वो किस तरह, कॉम्बिटाइटेंट 5 जो है ये हमारे जो है अंदर सेल्स जो होते हैं, गैमेट्स के सेल्स जो होते हैं उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो है हमारे सेल्स खत्म हो जाते हैं और सेल्स खत्म होने की वजह से जो है हमारी ग्रोथ जो है आगे नहीं हो सकती। और इसी के साथ जो है ये केमिकल जो है जिस तरह क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म जो है जिस तरह हमने इसको सूंघेंगे तो ये क्लोरोफॉर्म जो है इससे जो है ना हम बेहोश हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना हमें जो है इन केमिकल्स को जो है इनहेल करने से अवॉइड करना चाहिए। इन केमिकल्स को जो हमने जो है इनको डायरेक्ट टच जो है हाथों से करने से अवॉइड करना चाहिए और इन केमिकल्स को जो है हमें डायरेक्ट हाथों के साथ जो है टच नहीं करना। क्यों टच नहीं करना, हमने ग्लव्स पहनते हुए इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब ये केमिकल हमारे हाथों पर पड़ेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो इससे हमारी सेहत को, हमारी बॉडी को जो है बेनिफिट तो नहीं हो रहा, इससे हमारी बॉडी को जो है नुकसान हो रहा है, हमारी बॉडी जो है डिस्ट्रॉयनेस की तरफ जा रही है। तो इस डिस्ट्रॉयनेस से हमें बचना है, हमने अपनी लाइफ के साथ जो है ना खेलना नहीं है बल्कि हमने अपनी लाइफ को बचाना है। लाइफ को किस तरह बचाना है, तो इंशाल्लाह जो है हम और भी आपके सामने जो है बहुत सारी वीडियोस रखेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पाकिस्तान जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट के साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें।